अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:30 और अभी हमारा नाश्ता बाकी है क्योंकि आज मिसबा जा रही है एग्जाम देने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, उसका एग्जाम चालू हो गया, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह कामयाब करे। और अभी देखिए माशाल्लाह सब तैयारी यारी सब हो गई है जाने की, हो गया ना सब माशाल्लाह। चलो भाई जाओ संभाल के, तो हमें याद रखना, बेस्ट ऑफ लक। वाला निकालो ऊपर वाला, नहीं नहीं वो स्टील जिसमें जाए ना पापा। लड़ गई, आज से एग्जाम स्टार्ट हो गया ना। आज पहला है, अभी 10-12 दिन तक ऐसे ही समझ लो, रमजान तक उसका एग्जाम चालू रहेगा। तो बहुत घबरा हुई है क्योंकि समझ लो एग्जाम के टाइम में बहुत डर लगता है, यही सोचते हैं कि पास होगा फेल होगा, पास होगा, लेकिन मेहनत तो करते ही है माशाल्लाह। बस अल्लाह कामयाब करे एग्जाम में सबको, जितने जिसका भी एग्जाम चलो है अल्लाह पाक सबके हक में बेहतर करे, सबको कामयाब करे। और देखो इसको, फातिमा हो गई तुम्हारी सुबह, मम्मा सुबह हो गई। सलाम कर दो जल्दी जल्दी सबको, सलाम कर दो, सलाम कर दो बम्बैया। ये देखो गाइस, यहाँ हमारे सामने है सिराज भाई, वो इसको देख के ना बम्बैया बोलते हैं, तो ये भी बाहर जाके बम्बैया बम्बैया बोलो, बम्बैया देखे बम्बैया सलाम कर दो ये लेली सबको। नहीं कर दिया सलाम। फातिमा बहुत वो हो गई है, गंदी बच्ची हो गई है, बदतमीज हो गई है एकदम, बहुत बहुत शताती, बहुत शताती। क्या बोलते चलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों को वेलकम है सोली आसमी शेख के ब्लॉग में। माशाल्लाह, और कैसे हो? तो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ से। माशाल्लाह, लोग कैसे हो फ्रेंड लोग? अरहान बाबू क्या हुआ? अरहान बाबू को भुक्कू लग गई। हाँ भुक्कू लग गया अरहान बाबू को। अरे अल्लाह, हाँ बाप रे बाप, भूख लगी इसको, भूख लगी। गाइस फातिमा को देखो क्या कर रही है, देखो क्या बोल रहे तुम? हाँ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे शुनी पापी? ये शुन्ना पापा, चलो अंदर, चलो चलो अंदर, उठो गंदा बच्चा, उठो चलो चलो अंदर, चलो भाई के पास, चलो चलो भैया के पास। भैया बेटा बोल रही, अरहान को बोलती बेटा, बेटा बोल रहे, भैया है वो, बाबू है। चलो चलो भैया के पास, चलो चलो अंदर गंदा बापू। आमीन, जाओ संभाल के, दुआ है हमारी कि अल्लाह कामयाब करे, है ना। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह अल्लाह, अरे भाई लग जाएगा बाबू, लग जाएगा बाबू, आ जाओ चलो, आओ भैया के पास चलो। चलो बाबू को लो ना, अरे बाप रे बाप, कितना प्यार करो ना, देखो चलो ना आला बेटी को, बेटी मामा छोड़ के चले गई, ऐसा टीकू नहीं लेके गई मामा ने। ये देखो टाटा बोल रही तुमको, पहन के जा, कभी वहाँ बुरका उतार के चेकिंग हुई तो बुरका कल से पहन के जाना ही नहीं थी। हाँ एग्जाम के टाइम चेकिंग भी होती है ना, वही ना, वही बड़ी होगा बुरका उतार के, नहीं एग्जाम के टाइम अक्सर चेकिंग होती है, करते ही लोग नहीं। चलो भाई सब तैयारी हो गई है, रिक्शा नहीं आई भी था ना, आ गई क्या? चलो मेरा बच्चे को देख लो, मेरा बच्चे को, आ गई रिक्शा आ गई। अरे माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, जाओ संभाल के, पैसे से तो नहीं लगेंगे ना करवाने। अब मेरे अरहान को छोड़ के सब चले गए बाहर, मेरे अरहान गुड्डू को छोड़ के सब चले गए बाहर, रिक्शा से जा रहे लोग। ये लोग तो एग्जाम के लिए डर रहे गाइस, मैं तो एग्जाम के टाइम ना भाग कर आ गया था स्कूल से। बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई चले गए मिसबा। गाइस सही में ना एग्जाम के टाइम बहुत डर लगता है, और कैसा जो एग्जाम देने जा रहा है ना उसके दिल में ऐसी ऐसे धक 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 धक, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या लिखूंगी कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसे ही मिसबा के साथ हुआ रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं ना भाभी? समझ सकते हैं। हाँ कैसे?
कैसे अबे पता चलता है ना, अभी जैसे कुछ भी अपन इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं ना तो उसका डर रहता ही है दिल में कि पास होंगे क्या फेल हो जाऊंगे ऐसा कुछ भी। मैं छठी फेल हुआ एग्जाम के टाइम भाग कर आया। तो गाइज आ गए हमारी चाय और मुस्कान भाभी इतना फटाफट चाय ला के दिए कि बोले भाई मुझे आज बहुत काम करना है इसलिए फटाफट चाय दियो, मैं काम पे लगती हूँ फटाफट। और देखिए मुस्कान भाभी ना कल रात में ये वाला कपड़ा सिल रहे थे, मिसबा का ही है ना, तो ये कैसा सिल रहे थे मैं आपको जरूर बताऊंगा, आधा अधूरा बताऊंगा लेकिन फिर भी समझ जाना ठीक है। तो एकदम मस्त है, पूरा हो जाएगा ना। तो गाइज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और आप लोगों ने तो मिसबा का कपड़ा देखा ही, वो भी मुस्कान भाभी ने सिले हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो उसका तो मैं बता नहीं सका, सिर्फ कपड़ा बताया कैसा सिले लेकिन ये वाला, और इसके बाद में जो भी सिलेंगे और है ना सिलने का तो वो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। और एक है एमके टेलर, वो बोल रहे थे दाब वगैरह चेंज करेंगे ना, तो पीको ना आप, इस मशीन में भी हो सकता है। हाँ, तो एमके टेलर थैंक यू सो मच एडवाइस देने के लिए, ये दिन अच्छी कि इसमें भी पीको, दरअसल इनको मालूम था लेकिन कैसा दाब वगैरह इधर पे मिलता नहीं है ना, तो इसी वजह से हम लोग ने बाहर से करवा लिया। बट थैंक यू सो मुस्कान भाभी की तरफ से भी, वो बोलते नहीं व्लॉग में थोड़ा कम बोलते हैं, इस उनकी तरफ से भी थैंक यू। चलो चलो नाश्ता करो फटाफट आ जाओ। हेलो बटर टोस्ट खारी सब कुछ है, तुम क्या खाएंगे? जीरा बटर। मैं खारी खा लेता ठीक है। मुस्कान भाभी तुम खारी? तो गाइस हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो जा छो हो जा। फातिमा दिख रही तो वो नहीं दिख रहे, फातिमा को फातिमा को देखो अरहान की जगह पे सुलाया। तो गाइस देखिए फातिमा को ना मैंने अरहान की जगह पे सुलाया और कैसे लेटी है। नहीं सो जा, थपका रहो सो जा अल्लाह। अरहान देखो नीचे सो रहा है और इसको कौली बाबू है ना ये, ऐसे ऐसे इसको ऊपर सुला रहे हम लोग। अल्लाह अल्लाह भाई की जगह पहले लेती है फिर अल्लाह दूध की बॉटल बड़ी बहन है ना हमें दूध की बॉटल देना। हाँ हाँ दे रहा दे रहा हूँ। अल्लाह 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 सो जा मेरा बच्चा, ये तो आया नया अभी। हाँ सो जा अल्लाह 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 अल्लाह। गाइस ये मेरे न्यू बॉर्न बेबी है देखो। अल्लाह 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 सो जा। अच्छा उसकी माँ के पास रहता भी, पापा तो कुछ बोलती नहीं हो। हाँ देखो ना, हाँ मेरे पास आता जब वो रोती हो, बस नानी के पास जाएगा ना वो तभी रोती है। अल्लाह 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 सो जा। अपनों को लगा कैसा होगा बच्चा रहे, देखो ना करी बोलते ना अल्लाह वो सब समझ दे देता बच्चों को फिर। तो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ फातिमा को लेके मुमानी के घर पे, और ऐसे ही बैठे बैठे मन कर रहा था तो मैं बोला चलो थोड़ा घुमा के लेकर आ जाता हूँ फातिमा को, और ये भी घर पे बहुत चिड़चिड़ी हो गई तो इसीलिए हम लोग दोनों जा रहे हैं। तो देखिए माशाल्लाह फातिमा ने टोपी पहनी है, इतना रोने के बाद तो टोपी पहनी है, बाप रे। हाँ फातिमा पाउडर देखो पूरा मुँह पे फैला हुआ, और इससे पहले आटे से खेल रही थी गाइज, वो दिखाना भूल गया मैं। तो चलिए शॉर्टकट मार के जाते हैं अंदर अंदर से। यहाँ पे देखिए लकड़ियाँ मिलती है किलो के हिसाब से, तो ये चलो गली गली मार के चलते हैं। यहाँ पे शादी होती है ना गाइस तो खाना ना ऑर्डर नहीं देते कैसा, इधर पे जिसकी शादी है ना लोग ही बनवाते हैं, तो लकड़ी यहाँ से लेके जाते हैं खाना बनाने के। और मुंबई में कैसा खाना ऑर्डर दे दो 50 किलो 60 किलो या 40 किलो 30 किलो जो भी है, अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी सिर्फ ऑर्डर देने का और पैसा देने का, बाकी खाना ना सब बन के आ जाता। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पर सब अपने को सब सामान लाना पड़ता है, चावल ये वो दुनिया भर का जो भी चीज़ है तो सब अपने को लाना पड़ता है, सिर्फ खाना वाला आएगा बना के चले जाएगा। और फातिमा जब बाहर निकलती है ना तो एकदम शांत हो जाती है, देखो कुछ बात किसी से कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ वहाँ देखते रहती है बस। हाँ फातिमा देखें ऐसे। तो इधर पे पानी आया हुआ है देखिए, तो शायद नुमानी पानी भर रहे रहेंगे, तो डर रही कितना ही है। जाओ ले लो पाउडर वो नीचे है ना। हाँ तेल है, नहीं नहीं तेल नहीं लेने का गंदी बात। चलो इससे खेलो इससे डर रही कितना, देखो बैठो वो नीचे बैटरी नहीं है, नीचे बैटरी नहीं, पलट पलट के उठ रही है वो। नाना कैसे मारते, आंख मार के दिखा दो, ये ले ली आंख मारो, ऐसा देखो ऐसा देख रही है लगातार। आंख मार दो जल्दी। अरे बाप रे बाप शर्मा गई, नहीं वो नहीं निकाल लेगा। तो वो नानी ने इसको खाने के लिए दिए, पूरा फेंक रही है, खाओ मेरा बच्चा खाओ, फेंकना नहीं। हाँ खाओ ठीक है, हेलो फेंको मत, हाँ खाओ ऐसा, ये भी उठा लो ये भी खा लो ठीक है, फेंकने का नहीं, गंदा बच्चा है देखो।
मुझे लगता है ना फातिमा पागल हो गई है। देखो देखे देखे, ए सही में गजनी हो क्या? मैं तो ऐसी मजाक से बोल रहा था कल तुमको कि मेरी बेटी गजनी है। सर पटक रही है दीवार पे, क्या है ये? आओ सुनो बेटा, लग जाएगा, टकला फूट जाएगा तुम्हारा। बस हो गया, अभी ज्यादा नहीं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुस्कान भाभी सिल रहे हैं कपड़े। उस दिन दूसरा वाला सिल रहे थे और वो तो हो गया कंप्लीट पूरा, और अभी ये वाला सिल रहे हैं। तो पूरा काम तो हो गया ना तुम्हारा अभी? तो पूरा कंप्लीट होएगा तो आप लोगों से शेयर करता हूँ पूरा तैयार होने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है? बाजी से पूछ लो को। बाजी तुम बोलो ना। देखो मुस्कान भाभी ने क्या जुगाड़ लगाया, वो वाला इससे पहले रुमाल बनाया। अम्मी अम्मी ने बता दिया कौन सा पैटर्न है, बोले कपड़े को फाड़ के रुमाल। अल्लाह भगवान, मुस्कान भाभी का जुगाड़ देखो, ये सिल के लगा दिया क्योंकि वो उससे पहले वाला था ना गाइस, दूसरा वाला, तो उसपे कैसा बहुत आवाज कर रही थी, तो ऐसा लगा इनको कि दूसरा लगाएंगे तो आवाज थोड़ी कम आएगी, तो इसलिए ये लगा दिए। और अभी करंट भी नहीं आ रहा ना, टच करो। नहीं आ रहा है, वाह करंट नहीं आ रहा। वो तुमने उसपे वो लगाया ना? हाँ, नीचे देखो थैली भी लगा दी है। एक सब्सक्राइबर ने एमके टेलर ने ही बोले थे थैली लगाने के लिए, कपड़ा लगाने के लिए, तो वो लगा दिए। मेरा ऐसा लग रहा है कैमरा क्वालिटी अच्छी हो गई यार, और अपडेट मारने के बाद। तो हमारा खाना ना भी खा के हो चुका है, क्या बोलते हो? खाना खा लिया तुमने? ओ हो माशाल्लाह, क्या मस्त लग रहा है। अभी तैयार नहीं हुआ है, बाकी इसमें काम पूरा रेडी होएगा ना तब देखना। मेरी फातिमा उठ गई है अम्मा अम्मा करते हुए। हेलो मेरा बच्चा, दूध पी लो, दूध पी लो। उठना नहीं है बाबू, मिसबा की तो चांदी चांदी है यार, दो दो बार मिसबा के कपड़े सिले गए हैं भाभी। मेरे भी सिले जाएंगे। हाँ तो तुम्हारे तुम्हारे अभी नहीं। अच्छा हाँ, तो क्यों सोलह के नहीं सिलेंगे? देखे शालो, देखे तुम्हारी भाभी को तुम्हारे से बदला ले रहे, बोले तुम्हारे कपड़े नहीं सिलेंगे, सिर्फ मिसबा के कपड़े की जिम्मेदारी लिए है। देखो तुम्हारे साथ ना इंसाफी हो रही है। चलो देखो लाओ, नहीं मना कर रहे, देखो अल्लाह, चलो से मोहब्बत नहीं है भाभी को, है ना? चलो उनका काजी डायरेक्ट स्पेंडिंग ने फिर, अरे वाह, काजी के जितने कपड़े उतने महंगे लेंगे। आएगा ले आएगा तुम्हारे को, उनका पाकिस्तानी लेके पहनूंगी। अच्छा देखो भाई, कपड़े की डील हो रही है यहाँ पर। हाँ मेरा कपड़ा नहीं सिलेंगे तो भाभी का कपड़ा लेके पहन लूंगी बोल रहे। चलो लेकिन मुस्कान गलत है, वैसे सिर्फ मिसबा के कपड़े सिले जा रहे गाइस, देख लीजिए। हाँ आए ना लाइन पे बराबर। गाइस फातिमा को देखे निकलने के लिए कैसा वो कर रही है? नहीं निकलेगे तुम, तुमको नहीं निकाला जाएगा इसके अंदर, इसकी नींद पूरी हो गई ना अभी, तो अभी झूले में नहीं रहेगी। चलो आ रहे बाहर, आ रहे आ रहे बाहर, आ रहे, चलो आ जाओ, आओ आओ, निकालो मिस को, निकालो संभालेंगे कौन, इसको ध्यान देना। मैं हूँ ना, बाहर निकलिया बम भैया। वहाँ फातिमा हाथ छोड़ के खड़े रहती है, देखो 1 2 3 अल्लाह, 1 2 3 अल्लाह, 1 2 3 अब आगे लोड दे दिया इसने, अब बिदरावी हो रहे तो अपने आप खड़े रहती हो। 1 2 3 अल्लाह, भूल में रही ना जब बनाना वीडियो बता। गाइस अभी ना देखो फातिमा उड़ गई है, अब मैं जा रहे थे सोने के लिए, अब उनको सोने तो मिलेगा नहीं क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ था, ये जब सो रही थी ना तो सब मतलब सब आराम कर रहे थे, जैसे ही उठी तो अम्मी को सोने नहीं मिला, मुझे भी सोने नहीं मिला, बाकी तो महारानी लोग आराम कर रहे थे। बम भैया अल्लाह, बम भैया यार, ऐसी दाब मारना सीखने का देखो, पता है मैं जब सिलाई काम कर रहा था ना तो ऐसा फोल्ड करने नहीं आता था मुझे। देखे बाबू, फातिमा देखे मामी को, तुम्हारा भी कपड़ा सिल देंगे मामी, फातिमा का भी सिलने सब। अच्छा ऐसा है, देंगे फातिमा का। फातिमा को देखो सब सो रहे, उठा रही है सबको। हाँ बोलो बेटा, सोने थे सबको,
क्यों उठा रहे दो, खालो को उठा रही है। क्यों उठा रहे बेटा सबको, सोने दो। चलो इधर आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ सो जाओ, तुम भी सो जाओ। अल्लाह अकबर, खालो को उठा रही है, देखो अल्लाह। सोने नहीं देगी, अगर ये जाग रही है ना दोपहर के टाइम तो घर में किसी को सोने नहीं देगी दोपहर में, है देखे। अल्लाह अकबर, देख गई उस पार। अब इसको पकड़ना पड़ेगा। तो फातिमा को लेके निकला हूँ बाहर, क्योंकि घर में सब सो रहे हैं और किसी को सोने नहीं देगी, सबके ऊपर जा जा के जम मार रही है। क्यों जम मार रहे तुम सबके ऊपर जाके? हाँ चलो थोड़ा सी बाहर बैठेंगे अपन इधर पे, हाँ इधर ही बैठेंगे, जाओ इधर खेलो सामने, ठीक है जाओ खेलो, हाँ बाहर खेलो, चलो खेलो इधर ही, हाँ चलो आ जाओ खड़े हो जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस देखे हाँ, सामने चिड़िया है ना, दो लोगों को देख के ये डर रही है। बोलो चिड़िया, बोलो चिड़िया, बोलो चिड़िया, नहीं बोलेगी, बोलो चिड़िया। देखो बकरी आया, बकरी से डरेगी। मैं आई, मैं फातिमा, मैं आया, हो देखो मैं बोला मैम को, मैम आ आ मैम आ आ आ आ, आवाज दो मैम को, आ बोला बोला मैम को, बोला मैम को, बोला आ मैम आ आ मैम 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 आ आ मैम चले गया मैम, गंदा मैम हो बाबू, हाँ मैम बम्बैया बम्बैया। अब चिड़िया को देख रही है, चलो बैठ जाओ नीचे, हाँ ईशा बैठ जाओ। इसको मालूम नहीं है वहाँ पे पानी है, अगर इसको पता चल जाएगा ना ये समझ लो उससे भी मुँह धोएगी है जाके। सब पानी से मुँह धोते हैं, हरदम इसका मुँह गंदा ही रहता है, जहाँ पानी दिखा वहाँ मुँह धोना स्टार्ट। ई पादी में दाद दिखा रही अपने बम्बैया, हे बम्बैया 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 बम्बैया, इतना मुंह साफ रखते है इसका, देखो फिर भी सेमड़ी को पूरा मुंह गंदा कर देती है। बम्बैया बम्बैया बम्बैया, उनको देख के बम्बैया बम्बैया बोल रही है, बम्बैया बम्बैया। देखिए गाइस मैंने क्या बोला था, अगर इसको पता चल गया तो ये पानी से भी मुंह धोएगी, और इसको मालूम पड़ गया यहाँ पे भटकते भटकते आ गई और सही में मुंह हो रही है इधर में। चलो हो गया बस भैया मेरा बच्चा, नहीं 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 पूरा गंदा करके ले लेगी खुद को, ये बहुत गंदा करके ले लेगी खुद को, अभी इसको गोद में लेके ही भटकना पड़ेगा। देखिए इसको सब सो रहे और ये अपना काम कर रही है, फातिमा रख दो सब रख दो रख दो जल्दी, चलो रख दो। अरहान बाबू के सब कपड़े फेंक रहे निकाल निकाल के, बस हाँ अभी हो गया, चलो रखो हाँ रखो, फिर थैली में डालो, फिर से सब थैली में भर दो, भर दो जल्दी जल्दी। अरे निकालने नहीं बोला, भरने बोला, देखो अल्लाह अकबर। फातिमा ऐसा मत करो यार, ये देखें पूरा थैला खाली करेगी, अपना कपड़ा भरेगी उसके अंदर, हाँ बेटे सालेहा देखो तुम्हारी बेटी को पूरे अरहान बाबू के कपड़े निकाल निकाल के पूरा थैला खाली कर दिया, देखो कुछ भी नहीं छोड़ी, और टोपी भी निकालने पे तुली है ये बेटा, और टोपी तो छोड़ दो दोनों। अल्लाह अकबर, रुक जा बेटा बड़ा होने दो बाबू को, बड़ा होने दो फिर बता देंगे तुम्हारे को, बहुत कपड़ा निकाल रहा है उसके, ये भी नहीं छोड़ेगी। ये कपड़ा नहीं छोड़ेगी ये बाबू का, उसको नहीं खोलने का अभी, छोड़ो। तो ये अरहान बाबू आ चुके हैं अभी मेरी गोद में, और फातिमा उधर से देख के बोलती बेटा बेटा, टक्कू टक्कू बोली, टक्कू टक्कू इधर आ जाओ, भाई को टक्कू बोल रहे तुम, चलो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी जल्दी, आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नजदीक आओ, हाँ आ जाओ, आ भाग क्यों भाग क्यों भाग क्यों भाग क्यों,
ये तो वो रहन बाबू मेरी गोद में है भैया, कितना प्यार से बोलती है बेटा फातिमा, आ गए मेरी बाजू में। पापा पापा को हाथ लगा रही, पापा बोल के पापा पापा हाथ लगा रही। पापा कहे पापा कहे पापा पापा के दर हाँ छू रही थी इसको, लेकिन मैंने छूने नहीं दिया क्योंकि नाखून मार देगी ना, वैसे तो नाखून काट दिया हूँ फिर भी। अरे गंदा बच्चा मिट्टी खा रहा है, गंदा बच्चा दीवार की मिट्टी खा रहा है। फातिमा बहुत गंदी होती जा रही है बहुत सही में। फातिमा बाबू के बाबू 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 कहें, अरे चलो पा दे दो अबू को पा दे। पापा बेटा है बेटा 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 छूती नहीं है, हम लोग दूर कर देना इस वजह से, लेकिन कभी कभार छू लेती है। और ये सोने बाबू को भी देखो कैसा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है एकदम अंदर ही अंदर। हाँ और गाइज मेरे बाल देखिए बहुत ही अजीब लग रहे हैं अभी ना कटाने का, मुझे तो इंशाल्लाह कल जुमा है ना तो जाऊँगा दो नंबर की एक नंबर की मशीन मरवा के आऊँगा एकदम बारीक बारीक, ताकि क्या बोलते हैं अपना गर्मी का टाइम भी आ रहा है तो इस वजह से, और बाल भी देखो एकदम अजीब ही लग रहे हैं मेरे, तो कल बाल का मुंडन हो जाएगा। आ आ क्या आ आ नहीं पापा को नहीं छूनेगा, आ आ नहीं छूनेगा पापा को, नहीं छूनेगा पापा को। अरे अल्लाह, अरे बाप रे बाप, फातिमा बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाबा। अरे मेरे सोने पापा का प्यारा प्यारा हाथ देखो गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने बार पकड़ो ना उतना ही बार कम है इसकी, तब तब प्यारे प्यारे हाथ लगते ना गाइस, बच्चे लोग के बहुत मजा आती है, एक हाथ पैर और ये प्यारा प्यारा मुंह छुपा लिया मैंने। ये देखो मेरे बब्बू का प्याला प्याला पैर निकला, ये माशाल्लाह। और मुस्कुराता रहता है, सोएगा सोते सोते ऐसे हंसेगा, जैसे हंसेगा डिम्पल निकलते उसके डिम्पल। गाइस फातिमा देखो मुझे गुस्से से देख रही है, मैंने इसको चापटी मारा ना इस वजह से, और फातिमा की हरकत ना एकदम आहाना की जैसी लग रही है, आहाना भी छोटी थी ना तो ऐसी ही मस्ती करती थी, इतना मार खाती थी मेरे हाथ से। वो आमिर भाई की लड़की है ना आहाना, वो अमरीन, नहीं नहीं मेरा बच्चा, बच्ची के ऊपर बच्चों, बाबू 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 लग जाएगा बाबू को, नीचे बैठो नीचे बैठो, हाँ बैठे रहो जरूर बाबू है, हाँ चश्मे से खेलो, चश्मा पहनो, चश्मा पहन के दिखा दो, चश्मा पहन के दिखा दो जल्दी जल्दी अब्बू को, पहन लो उसको पहन लो, हाँ जल्दी जल्दी पहनो पहनो उसको। अरहान बाबू को हिचकी आ रही है देखो, ए हिचकी ले रहा हिचकी, भूख लगी। अरे टकले में नहीं पहनते उसको, दीवानी कहाँ पहन रही है, देखो टकले में पहन। तो गाइज मैंने अभी गया था दुकान पे 1.5 लीटर दूध लेने के लिए, तो यहाँ पर दूध आता है 12 रुपये का, मैंने आंटी को 20 रुपये दिया और आंटी ने मुझे 13 रुपये वापस दे दिए, यानी समझ लो 7 रुपये का दूध का पैकेट दे दिए, तो मैं जा रहा हूँ उनको पैसा वापस करने के लिए। अंकल अभी दूध का पैकेट लेके गया था ना मैं, आपने मुझे 7 रुपये का दूध दे दिए, 13 रुपये वापस दे दिए थे। हाँ तो उसमें से कितना रुपये पैकेट है, 12 का दूध है ना, हाँ तो 12 रुपये का दूध ले लो आप, और मुझे 10 रुपये का जीरा बटर दे दो, लो 2 रुपये और। तो ले लिया मैंने 10 रुपये का टोस्ट, बटर तो था नहीं इसलिए टोस्ट ले लिया। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ हो तो आप भी उसे वापस कर दीजिए, ज़्यादा आ गया तो उसे वापस कर दीजिए, या किसी का रास्ते पे पैसा मिला अगर पता है इसका है तो उसको वापस कर दीजिए, क्योंकि समझ लो बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने। तो गाइज मेरा नाश्ता वगैरह सब करके हो गया और अभी हो रहे हैं 6:30, मैं निकला हूँ बाहर कुछ सामान लाने के लिए, जैसे तो ले लिया पूरा सामान, चलो अभी चलते हैं घर पे। तो गाइज देखिए मुस्कान भाभी ने पूरा ये ड्रेस फाइनल कर दिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, पैटर्न देखो एकदम बिल्ला पैटर्न है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, सेट भी है क्या, अच्छा ऐसा नॉर्मल ही है घर पे, माशाल्लाह एक नंबर। अभी ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, इससे अच्छे अच्छे ड्रेस सिलने वाले हैं माशाल्लाह, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा अगर रहा तो है। मेरी फातिमा भी सो गई है, अरहान बाबू भी सो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना वगैरह सब खा के हो गया। आज तो अम्मी ने एकदम मचा डाले, आज बनाए थे खाने में मच्छी का सालन, माशाल्लाह दिल खुश हो गया एकदम, लेकिन कांटे वाली मच्छी थी तो इस वजह से थोड़ा सिलो सिलो खाना हुआ। तो अभी जस्ट खा पी के बैठे हैं गाइस हम लोग इधर पे, और क्या बोलते हैं अपना, आप लोग सही में यकीन नहीं करेंगे, जब मैं बाहर गया था ना, आप लोगों को बोला ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो गया था ना मैं मेडिकल में, तो मुझे ना 3 जगह जाना था,
तो कैसा, मैं गया अपना पहले उधर पे गया, क्या बोलते अपना जनरल स्टोर में, फिर उसके बाद में मेडिकल में गया। मेडिकल से मुझे दो सामान लेना था, वो ट्यूब आता ना वगैरह वो भी लेना था मुझे। तो कैसा, मैं ट्यूब लिया और जो भी सामान लेना था वो लेकर आ गया घर पे। फिर उसके बाद में फिर मैं अपना जेब चेक किया ना, अम्मी ने बोले कि तुम वाला ट्यूब नहीं लेकर आए, तो मेरे ध्यान में आ रहा, अरे बाप रे, फिर मैं गया वापस लेने के लिए उसको इतना दूर। कैसा एकदम माइंड है ना अभी सही में, बहुत मतलब ऐसे 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 सब साथ में आता ना तो फिर क्या बोलते अपना दिमाग काम नहीं करता है, तो इस वजह से मैं भूल गया, फिर वापस गया लेने के लिए। फिर इधर पे आया, फिर पैर इतना दर्द दे रहा ना मेरा, आज तो समझ लो नींद बहुत अच्छी आने वाली है, क्योंकि ज्यादा थकान हो जाती है ना, तो नींद तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आती है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।